कि यही 12 रबीउल अव्वल का दिन था और वो अपने घर में अपने ही बच्चों को, अपनी बीवी और बेटियों को जमा करके जिक्र मिलाद मुस्तफा नूर के मिलाद का जिक्र करके क्या कह रहे थे, फी मिस्ल हाज़ल यौम वुलिदा नबीउना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे घर वालों, मेरे बच्चों, मेरे अहले खाना, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि इसी तरह का एक दिन। आज हमारा यकीन है कि ब्रुकलिन की मस्जिद बैतुल करम में हम हुजूर का मिलाद सुना रहे हैं, कमली वाले गुंबद फजरा में आज भी सुन रहे हैं। हुजूर बोलिए आज भी सुन रहे हैं। अब हदीस यहाँ पे खत्म नहीं हुई, वो मिलाद मुस्तफा का जिक्र करते रहे, कमली वाले सुनते रहे, और जब वो अपनी बात कर चुके ना, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि हुजूर आगे कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, सरकार ने फरमाया नहीं आप थोड़ी देर ठहरना, आपने दरवाजे पे दस्तक दी, फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। जब उन्होंने देखा कि खुद सरकार तशरीफ ले आए, उन्होंने हाथ बांध लिए, हुजूर ने मुस्कुरा के उनके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया मेरे सहाबी, अभी जब तू मेरे मिलाद का जिक्र कर रहा था, मुझे आवाज आ रही थी, मैं सुन रहा था, और तुझे मुबारक हो, इन्नल्लाह फतह अलैका अबवाब अर्रहमा वल मलाइका तो यस्तगफिरून। फरमाया जब तक तू मेरे मिलाद का जिक्र करता रहा, अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए थे और फरिश्ते तेरी बख्शिश की दुआ कर रहे थे। तो लोग कहते हैं मिलाद कहां से आया, क्यों आते हो? उनसे मैं कहूंगा हजरत इमाम सुयूती की इस रिवायत को पढ़ के देखें कि हम इसलिए मनाते हैं कि जब मनाते हैं कमली वाले भी खुश होते हैं, कहें खुदा भी खुश होता है, हमारा रब भी खुश होता है, हुजूर भी खुश होते हैं। तो इसलिए आइए अब जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए हमारी मस्जिद के बड़े हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, और हर जुमे पे तकरीर से पहले हमें वो रात सुनाते हैं, जनाब जावेद साहब तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदिया नाथ पेश करें, नारे तकबीर, नारे रिसाल, सैयदी मुर्शिदी, मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ़ फरमा सैयद सादात सना अहबाब उलमा किराम नक़ीद महफ़िल और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी खुशनसीबी के सैयद उमर जुमहूर बैठा है और उलमा किराम कुछ तशरीफ़ ला चुके हैं, कुछ लाने वाले हैं और हमारे सीनियर सना नूर मोहम्मद जरान साहब, अजर चिश्ती साहब, मुझे याद है 2006 की बात है, हमारे नूर मोहम्मद जरान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो उस वक्त क्यूटी पर गालिबन नया उन्हें उस वक्त गया था और 2005 की बात या 6 की बात है तो उस वक्त हजरत से वहाँ मुलाकात की थी तो बड़ी खुशी हुई थी और यहाँ पर भी दो तीन पवान से मुलाकात की। अल्लाह ने बसाया हमारे सरों पर कादिर पाए मुदाई फरमाए तिबला सैयद पीर अमीर हुसैन शाह साहब, अमीर हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं कब शुक्रिया अदा करता हूँ और फिल्ला शफीक भाई परवेज भाई जिनके तवस्सुल से यहाँ मुझे हासिल यकीन हुई। मिलकर मोहब्बत के साथ मुख्तसर इंशाअल्लाह वक्त में कलाम पेश करके आपसे याद दूंगा। कोई भी लफ्ज़ ना रहे, अगर हो सके तो थोड़ा सा करीब तशरीफ़ ला सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा करीब तशरीफ़ है सर, अगर थोड़ा सा आगे आ जाए तो दीवार पर टेप लगाए बैठे हैं तो कोई बात नहीं, अगर बुजुर्ग गाब है तो अच्छी बात है और अगर नौजवान है तो फिर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। मिलकर मोहब्बत के साथ उनके पास सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ लाए हैं जनाब पीर मोहम्मद एजाज साहब
नामत बरकातुल आलिया हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर गौसे पाक आपके मुए मुबारक का संदूक भी अपने साथ हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक का संदूक लेके आए हैं और अब पूरी महफिल पे इसका साया रहेगा और तशरीफ रखें सारे। और मैं यहाँ सिर्फ एक बात ये करना चाहूँगा कि अल्लाह का करम है कि हमारी नस्बत और हमारी गुलामी अपने उस आका के साथ है कि लोग मर जाते हैं तो आज किसी की कब्र का निशान भी मौजूद नहीं है। बड़े बड़े सदर आए, वजीर आजम आए, आके चले गए, लोगों को उनका नाम भी याद नहीं, लेकिन हमारे करीम आका वो करीम हैं और वो लजपाल हैं कि आपका नाम तो दूर की बात है, आपका जिक्र तो दूर की बात है, मेरे कमली वाले के नालैन भी महफूज हैं, आपके मुँह मुबारक भी महफूज हैं। और पूरी महफिल पे इस मुबारक नस्बत का साया रहेगा तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इजाज़ साहब के कि वो इस जो है इस करीम अंदाज से तशरीफ लाए। अल्लाह ताला उनका आना मुबारक फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि सबकी हाजिरी इंशाअल्लाह होगी मरीज की। मिलकर मेरे साथ अपने परवरदिगार को इस यकीन के साथ पुकारिए मिलकर, ऐ मेरे मौला मौला कभी मुझको
हवाले हैं हम आपके हवाले
जिनके दिल पे ताले हैं उनको क्या खबर होगी, जिनके दिल पे ताले हैं अर्श फर्श पे आपा आपके उजाले हैं, अर्श फर्श पे जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं
और इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज, यही वजीफा करने आज इस महफिल में आए हैं, मरहबा कहने, हुजूर के नाम के नारे लगाने। तो शायर कहता है कि इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज, लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं, लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं, और कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, आ पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। इसी कैफियत के साथ हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजीर नाज पेश करने के लिए हमारे इस इलाके, हमारे इस मस्जिद के साथ वाबस्ता